वेलकम टू माय चैनल व्यूज। आज हम आपको जेंट्स कुर्ता बनाना सिखाएंगे। व्यूज, जेंट्स सूट तो हम पहले भी दो बार बना चुके हैं, लेकिन बिगनर्स ने हमसे ये फरमाइश की थी कि जेंट्स कुर्ता बनाना सिखा दें, तो आज हम उनकी फरमाइश पे जेंट्स सूट कुर्ता स्टाइल में दोबारा बनाएंगे। इसमें हम उन्हें प्लेकेट, बैम कॉलर और हर एक पॉइंट पर ज़रूरी टिप्स देंगे, जिससे उनके लिए स्टिचिंग आसान होगी। तो हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को स्टार्ट से अंत तक ज़रूर देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूज़, ये हमारे पास जेंट सूट है। ये लंबाई में 4.25 गज है और इसको खोल लें तो इसका अर्ज इस तरह से है। इसका अर्ज ये डबल है तो इस तरह से हम अगर इसका साइज़ लें। व्यूज़, हमारी कमीज़ का तैयार घेर 26 इंच है। हमें कटिंग के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसलिए अगर कपड़े का अर्ज बड़ा होता तो हम इसको इसी तरह से कमीज़ की लेंथ लेने के बाद इस तरह से कट कर लेते, लेकिन चूँकि कपड़े का अर्ज छोटा है, हमारी कमीज़ के घेरे के लिए ये अर्ज ना काफ़ी है, इसलिए हम इसको इस तरह से यहाँ से कमीज़ की लेंथ लेंगे। तो हमारी कमीज़ की लेंथ है 42 इंच, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 44 इंच पे यहाँ से कट लगाएंगे। यहाँ पे 44 इंच पे कट लगाने के बाद अब हम कपड़े को इस तरह से डबल करेंगे। इस तरह से कपड़े को डबल करने के बाद व्यूअर्स, अब हम यहां से 44 इंच पे यहां से इस तरह से कपड़े को कट कर देंगे। व्यूअर्स, ये हमने कमीज़ के कपड़े को अलग कर लिया है। व्यूअर्स, यहाँ से हम घेरा लेने के बाद इस तरह से यहाँ से कमीज़ का घेरा लेने के बाद बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम शलवार के पल्ले में इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम अभी तय करके साइड पे करेंगे। और यह व्यूअर्स, अब हम इस बाकी के कपड़े से शलवार की लेंथ लेंगे, तो शलवार की लेंथ भी हम 44 इंच तक लेंगे। तक शलवार की लेंथ लेने के बाद कपड़े को हम इस तरह से डबल करेंगे। इस तरह से डबल करने के बाद हम इस इजाफी कपड़े को यहां से कट कर देंगे। व्यूअर्स, यहाँ से हमने जो एक्स्ट्रा कपड़े को कट किया है इसको हम स्लीव्स बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम इसको साइड पे करेंगे और ये जो हमने कपड़े की लेंथ को कट किया है इसको हम इस तरह से डबल करेंगे।
और यहाँ से इस तरह से कटिंग करने के बाद इसको हम शलवार के कुंदे बनाएंगे इस तरह से। और ये जो कपड़ा हमने कमीज़ के लिए कट किया था, यहाँ से हम कमीज़ का घेरा 27 इंच तक कट करने के बाद बाकी के कपड़े को इस तरह से टर्न करेंगे। और पल्ले की चौड़ाई 9 इंच तक लेने के बाद हम यहाँ से कपड़े को कट करके इस कपड़े को हम शलवार के पल्ले बनाएंगे और यहाँ पे कुंदे के साथ इस तरह से अटैच करेंगे। और व्यूअर्स, यहाँ से चौड़ाई से जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम प्लेकेट बनाने में यूज़ करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ से अर्ज के रूप से कमीज़ का घेरा 27 इंच तक लेने के बाद हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसी तरह से कपड़े को इस तरह से डबल करने के बाद 9 इंच तक लेने के बाद हम इस कपड़े को पल्ले में इस्तेमाल करेंगे। और ये जो हमारे पास चौड़ाई में ये कपड़ा है इसको हम प्लेकेट और बैंड कॉलर बनाने में इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स, अब हम यहाँ कमीज़ का घेरा 27 इंच तक लेने के बाद यहाँ पे कट लगाएंगे और यहाँ पे इस एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर देंगे। व्यूअर्स, हमने कमीज़ के घेरे को 27 इंच पे सेट कर लिया है इस तरह से। यहाँ से भी ये 27 इंच पे है, तो अब हम यहाँ से कमीज़ की लेंथ को कट कर देंगे। व्यूअर्स, हमने कमीज़ की लेंथ और इसके अर्ज को कट कर लिया है, अब हम इस कपड़े को साइड पे करेंगे और इस बाकी के कपड़े को इस तरह से टर्न करेंगे। और यहाँ से 9 इंच तक चौड़ाई लेने के बाद हम पल्ले की कटिंग करेंगे। अब हम यहां से कट कर देंगे। व्यूअर्स, ये हमने पल्ले को कट कर लिया है, अब हम इस कपड़े से तीरे को कट करेंगे और इसके साथ, इस पल्ले के साथ हम यहां कुंदे के कपड़े को जॉइंट करेंगे इस तरह से। यहाँ से हम इस तरह से कटिंग करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी शलवार तैयार होगी। व्यूअर्स, अब हम यहाँ ऊपर से 2 इंच कपड़े को इस तरह से नेफे के लिए टर्न करेंगे इस तरह से। और यहाँ से आसन की लंबाई हम 18 इंच तक लेंगे। 16.5 इंच तक आसन लेने के बाद हम बाकी के कपड़े को कट कर देंगे और यहाँ से हम कुंदे की चौड़ाई 2 इंच तक लेंगे इस तरह से। और यहाँ इस निशान से उस निशान तक हम लाइन बनाएंगे और अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। व्यूअर्स, अब हम कुंदे को भी यहाँ से कट कर देंगे और इस तरह से अब हमारी शलवार की कटिंग हो चुकी है, अब हम कमीज़ को कट करेंगे। व्यूअर्स, अब हम यहाँ पल्ले को भी
यहाँ ऊपर से इस तरह से कट कर देंगे। व्यूज़ अब हम कमीज़ की कटिंग करेंगे। तो कमीज़ की कटिंग का सही तरीका ये है कि हम कमीज़ के घेर को इस तरह से डबल करें और फिर इसको इस तरह से डबल करने के बाद लेंथ वाइज इसको हम डबल करें। लेकिन व्यूअर्स कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि इसी तरह से कमीज़ के घेर को इस तरह से डबल करते हैं और इस तरह से डबल करने के बाद यहाँ से आर्म होल की कटिंग करते हैं। तो ये तरीका गलत है, इस तरह से कटिंग में परफेक्शन नहीं आती। तो हम इसको खोलेंगे और इस तरह से कमीज़ के घेर को इस तरह से डबल करेंगे और सारी कमीज़ को हम इस तरह से डबल करेंगे। और अब हम लेंथ वाइज इसको इस तरह से डबल करेंगे। व्यूअर्स हमने इस तरह से लेंथ वाइज इसको इस तरह से डबल करने के बाद सेट कर लिया है। अब हम यहां से तीरे का साइज लेंगे और आर्म होल की कटिंग करेंगे। व्यूज़ ये बन साइड है, यहाँ से हम तीरे का साइज लेके आर्म होल की कटिंग करेंगे। आप चाहें तो यहाँ दूसरी साइड से ओपन साइड से भी आप यहाँ से तीरे का साइज लेके आर्म होल की कटिंग कर सकते हैं। तो व्यूज़ अब हम यहाँ पे तीरे का साइज लेंगे। तो हमारे तीरे का साइज है 18 इंच। तो हम यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ इस निशान से हम यहाँ नीचे 7 इंच तक निशान लगाएंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ से इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और इस तरह से आर्म होल की शेप देते हुए हम इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से आर्म होल की कटिंग करेंगे। व्यूअर्स यहाँ से हम फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को कट करके अलहदा कर देंगे। व्यूअर्स ये नीचे वाली साइड बैक पार्ट है, ऊपर वाली साइड हमारी फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ से हम 1.5 इंच का गैप लेते हुए यहाँ से शोल्डर की कटिंग करेंगे। व्यूअर्स यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से हम तो यहाँ से इस तरह से हम इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। और सिर्फ फ्रंट पार्ट को हम उठा के यहाँ इसकी शोल्डर की कटिंग करेंगे। व्यूअर्स हमारी कमीज़ की फिटिंग है 25 इंच। तो हम यहाँ 12.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे कट लगाएंगे। व्यूअर्स अब हम फ्रंट पार्ट को 1/2 इंच के करीब मज़ीद कट करेंगे। व्यूअर्स अब हम इस बचे हुए कपड़े से तीरे को कट करेंगे। व्यूअर्स हमारी तीरे की लंबाई 20 इंच होगी।
और इसकी चौड़ाई को हम 5 इंच तक लेंगे। व्यूअर्स अब हम यहाँ फ्रंट पार्ट को इस तीरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे। व्यूअर्स ये तीरे की बन साइड है, इसको यहाँ हम बन साइड की तरफ रखेंगे। व्यूअर्स यहाँ फ्रंट पार्ट की तरह तीरे को भी हम एक साइड से कट कर देंगे। व्यूअर्स यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। व्यूअर्स हमने तीरे के लिए कपड़े के डबल पार्ट को कट किया है, तो अब हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे और इसकी एक स्ट्रेट साइड बैक पार्ट के साथ इस तरह से अटैच होगी और दूसरी शोल्डर वाली साइड इस तरह से फ्रंट पार्ट के साथ जॉइन होगी इस तरह से। व्यूअर्स खास तौर पे बिगनर्स के लिए मेरा ये मशवरा है कि अगर आपकी फिटिंग कम है यानी 20x22 इंच है तो आप आर्म होल को मज़ीद 1-1.5 इंच तक कट कर सकते हैं, और अगर कोई हेल्दी पर्सन है जिसकी फ़िटिंग ज़्यादा है तो उसके लिए ये आर्म होल परफेक्ट है। तो ये तीरा अटैच करने के बाद तकरीबन ये 10.5 इंच होगा, तो अब हम इसी के अकॉर्डिंग स्लीव्स को कट करेंगे। व्यूअर्स ये जो हमने एंड पे एक्स्ट्रा पीस को कट किया था इसे हम अब स्लीव्स को कट करेंगे। तो अब हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे। हमारे आर्म होल का साइज़ है 10.5 इंच, तो हम इसको 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 11 इंच पे कट करेंगे और यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से स्लीव्स की शेप बनाएंगे। व्यूअर्स यहाँ कलाई की साइड से हम स्लीव्स को सिंपल ही रखेंगे, सिर्फ 1.5 इंच हम फ्यूजिंग की पट्टी को कपड़े पे अटैच करने के बाद यहाँ पे अटैच करेंगे और यहाँ से हम स्लीव्स को 7.5 इंच तक रखेंगे और अब हम इस तरह से शेप बनाएंगे। और अब हम यहाँ से इसको कट करेंगे। व्यूअर्स हमारे स्लीव्स की लेंथ इस तरह से पट्टी अटैच करने के बाद तकरीबन 22 तक होगी, तो आप भी अपने साइज़ के हिसाब से इसकी लंबाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अब हमने स्लीव्स को कट कर लिया है, शलवार और कमीज़ की कटिंग भी हो चुकी है, तो अब हम स्टिचिंग करेंगे।